ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे ही हम काम कर रहे हैं पिछले 3 डेज से, और एक बार और मैं क्विक रिकॉल कराऊंगा केवल 5 मिनट में, लेकिन ठीक है केवल 5 मिनट में रिकॉल कराऊंगा मैं। तो चलिए सुन लीजिए, पहले मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें सीखना है, उससे पहले हम सीख लें कि ट्रिग्नोमेट्री कहां से आया। तो ट्रिग्नोमेट्री लैटिन के 2 वर्ड से इस वर्ड को डिराइव किया गया है, ट्राइगनॉन और मेट्रॉन। ट्राइगनॉन से हमें मिल गया ट्रिग्नो और मेट्रॉन से हमें मिल गया मेट्री, जिसका मतलब होता है ट्राइंगल से रिलेटेड मेजरमेंट, और स्पेशली हम जिस ट्राइंगल की बात करते हैं वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। और जब भी राइट एंगल ट्राइंगल में हम काम करते हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमको 3 साइड्स मिलती हैं और 3 ही एंगल मिलते हैं। 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज यानी कैपिटल एच बोलते हैं, और यदि आपको एंगल पता चल जाए तो एंगल के अपोजिट को परपेंडिकुलर बोला जाता है, और एंगल के एडजेसेंट को, इस एंगल के एडजेसेंट को प्यारे बच्चों बेस बोला जाता है। यदि यहीं पे एंगल कंसीडर किया गया होता ऊपर का, मतलब एंगल ए कंसीडर किया गया होता, तो ऐसे केस में हाइपोटेन्यूज बिल्कुल नहीं बदलेगा, लेकिन परपेंडिकुलर अपोजिट होता है इसलिए परपेंडिकुलर बदल जाएगा, और बेस प्यारे बच्चों एडजेसेंट होता है इसलिए बेस भी बदल जाएगा। यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज हमें मिलता है एक राइट एंगल ट्राइंगल में, लेकिन याद रखो हाइपोटेन्यूज तो कंफर्म है कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस के बारे में हम कंफर्म नहीं होते हैं। एंगल से डिसाइड होता है कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर बनेगी, कौन सी बेस। एक बार हमने इन तीनों साइड्स का पता लगा लिया, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, तो हमने एक ट्रिक पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जिसकी मदद से हमें 3 रेशियो मिल गए थे, और वो 3 रेशियो थे साइन, कॉस और टेन रिस्पेक्टिवली। इसको थीटा की टर्म में लिख देते हैं क्योंकि इसी एंगल को हम थीटा बोल रहे हैं। इसके बाद इनका रेसिप्रोकल हमने लिया था एच बाय पी और एच बाय बी और बी बाय पी, जिन्हें रिस्पेक्टिवली हमने बोला था साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं और ये रेशियोज हैं, 6 रेशियोज हैं जिन्हें आपको सीखना है। तो दीज आर 6 रेशियोज जिन पर अभी तक हमने काम किया है, और आज की क्लास में भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे काम करेंगे, और ये आज लास्ट क्लास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। ठीक, तो चलिए क्विकली समझ लेते हैं हम लोग होमवर्क के क्वेश्चंस। सबसे पहला काम करें आप लोग, टेन थीटा को 12/13 लिख दें। टेन थीटा को 12/13 कैसे लिख पाएंगे, इस 13 को 12 के नीचे ले आए तो आपका टेन थीटा 12/13 बन गया। इसके बाद टेन थीटा होता क्या है, टेन थीटा होता है P by B, ये आपको याद आना चाहिए कि tan theta होता है P by B। अब यदि tan theta P by B होता है तो रेशियो का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर वैल्यू 12 टाइम समथिंग होगी और पर्टिकुलर B की वैल्यू 13 टाइम समथिंग होगी, यही रेशियो का मतलब होता है। यानी P और B हमें पता चल गया। अब यदि हाइपोटेन्यूज चाहिए तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा अंडर रूट 12 times k square plus 13 times k square, और जो अल्टीमेटली हमें देगा रिजल्ट 144 k square plus 169 k square, और ये प्यारे प्यारे बच्चों मिल रहा है हमें 9413 k square, यानी h आ गया अंडर रूट 313 times k। समझ गए होंगे आप। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया H, निकाल लिया P और D, हमने ऑलरेडी निकाल रखा था। अब राइट नाउ हमारे पास P भी है, B भी है और H भी है, तो अब हम निकाल सकते हैं साइन थीटा। साइन थीटा होता है P by H, इसलिए यहां पे साइन थीटा आ जाएगा 12k/√313k, जहां से k के कैंसिल होगा तो 12/√313 हमें मिल गया साइन थीटा। चलिए कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा होता है बी ओवर हाइपोटेन्यूज, और बी राइट नाउ प्यारे बच्चों 13 टाइम्स के है, और हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट 313 टाइम्स के, ये कैंसिल, तो यहां से हमें कॉस थीटा मिल गया 13/√313। हमें साइन और कॉस ही तो चाहिए, तो अब हम निकाल सकते हैं 2 sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा
डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? हम साइन थीटा की जगह 12 ओवर अंडर रूट 313 रख देंगे और कॉस थीटा की जगह 13 ओवर 313 रख देंगे। तो चलिए रखते हैं वन बाय वन। तो टू टाइम्स साइन थीटा की जगह रख दीजिए 12 ओवर 313 का अंडर रूट और कॉस थीटा की जगह रख दें 13 ओवर 313 का अंडर रूट। और सिमिलरली नीचे आप काम करिए, साइन स्क्वायर थीटा इसकी जगह हम रख देंगे 12 ओवर अंडर रूट 313 का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह रख देंगे 13 ओवर अंडर रूट 313 का स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर करें और आगे देखें। अब आगे आएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 13, ठीक, यानी 24 मल्टीप्लाइड बाय 13 ऊपर आ गया और नीचे आ गया 313 का अंडर रूट और 313 का अंडर रूट मल्टीप्लाई होगा और जब दो अंडर रूट मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाता है। और इसी तरीके से नीचे डील करते हैं तो 12 का स्क्वायर 144 और नीचे 313 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 169 और नीचे 313 आ जाएगा। अच्छे से देख लें, टेन थीटा था 12 बाय 13, पी बाय बी हो गया, पी आपका 12 के, बी आपका 13 के आ गया, एच आपने निकाला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट करके, जहां से आपको मिल गया 313 के स्क्वायर, जिसको आपने सॉल्व किया अंडर रूट 313 के हो गया। उसके बाद साइन थीटा पी बाय एच होता है, इसलिए 12 के ओवर रूट 313 किया, 12 ओवर रूट 313 आ गया। कॉस थीटा बी बाय एच होता है, इसलिए 13 के ओवर रूट 313 के किया, जो कि 13 ओवर रूट 313 आ गया। इसके बाद हम यहाँ पे रखते हैं 2 sin थीटा इंटू cos थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। चलिए रख देते हैं 2 sin थीटा की जगह 12 ओवर अंडर रूट 313, cos थीटा की जगह 13 ओवर अंडर रूट 313। ऐसे ही नीचे sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा हमने किया।